Zombie apocalypse. सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और नए एपिसोड में। और इस एपिसोड का नाम है थिंग्स दैट मोस्ट प्लेयर हेट इन क्लैश ऑफ क्लैंस। तो ये इसका पार्ट थ्री है। मैंने पार्ट टू पहले अपलोड किया है, पार्ट वन और पार्ट टू। तो अगर आपने वो नहीं देखा था यार, क्या करो यार, जाकर देखो। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर दोनों देखो यार। दोनों अपडेटेड है, मतलब एकदम नए है। वो पहले किसी भी वीडियो में यार अभी तक नहीं बताया गया है। और ये भी है इसका तीसरा पार्ट, इसमें भी सारे अपडेटेड है, सारे के सारे एकदम नई चीज़ें हैं जो हमारे प्यारे क्लैश ऑफ क्लैंस के प्लेयर्स हेट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले कुछ छः चीज़ों के बारे में जो हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस के प्लेयर बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। तो चलो यार, बिना टाइम को गंवाते हुए सबसे पहले बढ़ेंगे पहले वाले की तरफ। तो ये वी गो। सो गाइस, जो सबसे पहले आता है हमारे लिस्ट में वो है रिप्लाई के बारे में। तो अटैक्स रिप्लाई या फिर डिफेंस रिप्लाई या फिर अटैक लॉग, कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो यार वहाँ पर एक रिप्लाई का बटन आता है। और आप इमेजिन करो कि यार आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अटैक सीखना है जो कि आपके ऊपर हुआ है, आपके बेस के ऊपर यार किसी ने मार कर गया है, कोई अटैक कर गया है, और उसका जो एकदम अटैक करने का तरीका है वो एकदम अलग है, एकदम अलग। और उसी टाइम पे यार आप सोचते हो कि यार हाँ, इसका रिप्लाई मैं देख के सीखूँगा। मगर फिर है ना, आप थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन जाते हो और फिर बीच में मेंटेनेंस ब्रेक आता है, और मेंटेनेंस ब्रेक के बाद आपके जितने भी रिप्लाईज होते हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं, चाहे वो अटैक लॉग हो या फिर वो डिफेंस लॉग हो। और फिर आपके मन में याद आता है कि यार मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, पर अब मैं वो नहीं सीख सकता। तो इससे यार बहुत सारे प्लेयर को गुस्सा आता है, मुझे भी आया था, क्योंकि यार मुझे भी बहुत सारे अटैक स्ट्रैटेजीज जो कि नए नए आ रहे हैं वो सारे सीखने थे, जो मेरे ऊपर भी अटैक हुए उसके। तो उसके बाद यार मैं थोड़े देर के लिए ऐसे ऑफलाइन जाता था, दो तीन दिन यार बंद रखता था अपने मोबाइल को, मतलब हाथ ही नहीं लगाता था ज़्यादातर। तो फिर उसके बाद क्या होता था, मैं जब ऑनलाइन आता था अपने क्लैश ऑफ क्लैंस अकाउंट में, और तभी देखता था सारे रिप्लाई जा चुके हैं और मैंने उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया होता है। तो बस यार सारे रिकॉर्ड, मतलब जितने भी रिप्लेस होते हैं वो सारे चले जाते हैं, और फिर तब यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये थी हमारी पहली चीज़ जो हमारे प्लेयर्स हेट करते हैं। तो चलो यार बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। सो गाइस, अभी दूसरे में हम बात करेंगे ट्रॉफी पुश के बारे में, ठीक है। तो आप समझो कि यार आप ट्रॉफी पुश करने बहुत ही एकदम दिलदार होकर जा रहे हो, हाँ यार मुझे अभी ट्रॉफी पुश करना है, मुझे लेजेंड में जाना है, मुझे टाइटन में जाना है। तो जैसे ही आप यार लेजेंड में पुश करने के लिए समझो, मैं सिर्फ सपोज़ करने बोल रहा हूँ, तो सपोज़ आप ट्रॉफी पुशिंग करने जा रहे हो बहुत ही अच्छा वाला ट्रॉफी पुशिंग स्ट्रैटेजी के साथ, अटैक स्ट्रैटेजी के साथ। तो आप अटैक करने जाते हो और गलती से आपका एक ऐसे अटैक में हाथ लग जाता है, मतलब एक्सीडेंटली कोई भी ट्रूप यार ऐसे बेस में डिप्लॉय होता है जहाँ पर ट्रॉफी सिर्फ तीन चार ही हो। तो ऐसा बहुत सारे बेस है जिसमें यार हमें कुछ भी ट्रॉफी नहीं मिलती है, शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मुझे नहीं पता, मगर मैंने देखा है। उसमें यार सिर्फ मिलेंगे कितने पता है, +5 मिलेंगे और जाएंगे -30। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है जब आप ट्रॉफी पुश करने जाते हो और एक्सीडेंटली कोई भी ट्रूप आप ड्रॉप कर देते हो गलती से, और फिर उसके बाद आपको यार पूरा कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि ना ही उसमें कोई ट्रॉफी है मगर उसमें लॉस बहुत होने वाला है, ठीक है। सो गाइस, अगर आप दिलदार प्लेयर हो तो यार आप उसमें अटैक करोगे, मगर अपना मन रखे, क्योंकि यार आपको पता है कि यार अगर मैं इसमें हारा ना तो यार मुझे 30 ट्रॉफीज़ पूरा माइनस होने वाले, और अगर मैं जीता तो 5 तो मिलेंगे कम से कम। तो अब यार इन 5 ट्रॉफी की वजह से आपको उसी में अटैक करना पड़ता है जिसमें ट्रॉफी है ही नहीं, और अगर वो वाला जो अटैक है ना वो फेल होता है ना, तो फिर आपकी पूरी ट्रॉफी पुशिंग की लग जाएगी, आप बहुत ही डीमोटिवेट हो गए। तो यार इससे भी बहुत सारे प्लेयर को यार दिक्कत होती है, इसे भी वो हेट करते हैं। तो चलो यार बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। सो गाइस, ये जो तीसरा वाला, ये बहुत सारे जन के साथ हुआ है। तो तीसरे में मैं बात करने वाला हूँ लूटेड बेस के बारे में। तो यार अब आप सपोज़ करो कि यार आप अटैक करने जा रहे हो, आपको बहुत सारे सर्चेस के बाद एक ऐसा सर्च मिला, जैसे कि मतलब एक ऐसा बेस मिला जिसमें 1 मिलियन लूट, 6 मिलियन लूट, 5 मिलियन लूट है, मगर आप उसमें अटैक करते हो, ठीक है, आप उसमें अटैक ज़रूर करोगे। तो अटैक करने के बाद यार आपका कुछ ऐसा रिजल्ट आता है जैसे कि उसमें लूट तो मैंने किया ही नहीं। तो गाइस यार कहने का मतलब ऐसा है कि यार आपके जो ट्रूप्स होते हैं ना वो कभी कभी ऐसा कांड करते हैं जिससे यार हमें लूट नहीं मिल पाते। तो यार मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, अगर आपके साथ भी होता है नीचे कमेंट करके बताओ। जैसे कि मैंने आपको बताता था कि यार #1, #2, #3 कैसे भी बताओ, मगर आपके साथ अगर सारे के सारे हुए हैं तो #all करके बताना। तो चलो यार बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ।
सो गाइस जो मेरे पास है फोर्थ में, ये तो यार गारंटीड सारे के सारे प्लेयर्स के साथ हुआ होगा। तो यार अब आप सपोज करो कि यार हाँ, मैं मुझे पता है यार, मैं सारे के सारे इसमें सपोज करने बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको बताना ज़रूरी है ना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो जैसे कि यार मान लो कि यार हमारे पास आने वाले हैं ऑब्स्टिकल्स, वो भी सीजनल, और आपको वो नहीं मिलता है, ठीक है, आपको मिलता ही नहीं यार, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पर आपको ऑब्स्टिकल मिला ही नहीं। तो तभी यार आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि यार आप ये सीजनल ऑब्स्टिकल ये सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार आएगा और आपको यही टाइम पे नहीं मिला। तो यार इसमें मुझे भी बहुत गुस्सा आया था जब यार ये लूनर अपडेट आया था ना, तभी यार मुझे ये वाले बेस पे नहीं मिला था। जैसे कि आपको पता है कि यार मेरे दूसरे वाले बेस में जो कि मेरा छोटा आईडी है, उस पर यार मुझे इतने सारे फॉर्च्यून ट्रीज मिले थे कि यार आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यार यहाँ पर पॉपअप आ रहा है, यहाँ पर देखो, जाकर देखो यार, मुझे लिटरली बहुत सारे मिले थे, कम से कम 8 मिले थे आई थिंक। तो हाँ यार 8 ही मिले थे, 8 फॉर्च्यून ट्रीज मिले थे और ऊपर से एक फायरवर्क स्ट्रैश भी मिला था। तो ये बहुत ही मैं चौंक गया था कि यार इतने सारे, वो भी सिर्फ जैसे रिलीज़ हुआ उसके यार 1-2 घंटे बाद ही मुझे मिल गया। तो मुझे यार बहुत बड़ा शौक लगा, फिर मैंने वीडियो बना दी उसके ऊपर फटाक से। तो वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा था कि यार अगर वो सीजनल ऑब्स्टिकल आपको नहीं मिला यार टाइम पर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि यार वो ज़िंदगी में एक ही बार आने वाला है और आपको नहीं मिल रहा है वो, ठीक है। तो इससे यार बहुत सारे जन को गुस्सा आते क्योंकि यार ये लूनर अपडेट जो है ना, इसमें यार मैंने बहुत सारे न्यूज़ ऐसे सुने थे कि यार बहुत सारे प्लेयर को ये नहीं मिल रहे, स्पॉन नहीं हो रहे, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत थी उनके लिए क्योंकि ये ज़िंदगी में एक ही बार आता है, आपको मैंने पहले भी बताया। तो इस चीज़ से भी यार बहुत सारे प्लेयर को गुस्सा आता है। सो गाइस चलो यार बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। तो गाइस जो हमारे पास है जो फिफ्थ में, वो है अकाउंट हैक हो जाना। हाँ गाइस, अकाउंट हैक की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप समझो कि यार आपने बहुत मेहनत से TH10 को मैक्स आउट किया, बहुत मेहनत से यार अपना खून पसीना बहा दिया उसे अपग्रेड करने में, पूरा मैक्स आउट करने में, फिर यार आपके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिससे यार आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो यार जाहिर सी बात है यार, बंदे ने इसमें बहुत मेहनत की है तो इसमें गुस्सा तो आना ही है क्योंकि यार ये इसका यार 2-3 साल का मेहनत है यार TH10 को मैक्स आउट करने में, उसके खून पसीने बह गए और उसी टाइम पे यार कोई उसका अकाउंट हैक कर लेता है। तो यार ये बहुत ही मतलब दुखी वाली बात है यार, वो अभी कैसे करेगा, उसकी पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी या फिर मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ भी कह सकते हो आप। तो और वो जो बंदा है ना जो हैक कर रहा है, उसको तो फ़ायदा ही है क्योंकि यार उसे बिना मेहनत करे TH10 मैक्स आउट बेस मिल रहा है। तो गाइस अभी जिसका अकाउंट हैक हुआ है ना, उसको यार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार इसे मैक्स आउट करने में, TH10 मैक्स आउट करने में बहुत टाइम लगता है यार। तो उसे तो गुस्सा आना ही है और इससे बहुत सारे प्लेयर के साथ ऐसा हुआ है और जाहिर सी बात है यार गुस्सा तो आता ही है उन्हें। तो चलो यार बढ़ते हैं सिक्स्थ की तरफ। तो गाइस जो सिक्स्थ में मेरे पास है वो भी यार सीजनल ऑब्स्टिकल के बारे में है, मगर वो थोड़ा सा अलग है। तो अब आप सपोज करो कि यार आपका जो बेस है वो बहुत ही पुराना हो चुका है, कम से कम 2-3 महीने पुराना हो चुका है आपका बेस, और आपको उसे एक नया बेस का डिज़ाइन देना है। और जब आप एडिट मोड पे जाते हो और अपना एक नया बेस बनाते हो, नया बेस डिज़ाइन करते हो, और करते 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 बीच में, मतलब बीच में या फिर साइड में आपके जगह पर, मतलब बेस बनाने के जगह पर एक ऐसा ऑब्स्टेकल होता है जो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार आता है, उसे हम कहते हैं सीजनल ऑब्स्टेकल, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, उसके बाद और कभी नहीं आता, और आपको यार ना चाहते हुए यार उसे निकालना पड़ता है या फिर आपको वो जो डिज़ाइन है, बेस डिज़ाइन है, वो चेंज करना पड़ता है, और जो आधा बेस आपने बनाया है ना उसे यार आपको यार बहुत ही दुखी तरीके से उसे कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि अब वो कुछ काम का नहीं है यार। मेरा अगर सीजनल ऑब्स्टिकल को बचाना है तो यार इस बेस को तो यार मरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये टाइम पे भी यार बहुत सारे जन को गुस्सा आता है कि यार हमने बेस बनाना सोचा मगर उस बीच में हमारे ऑब्स्टिकल आ गया, तो इसीलिए हमें अपना जो बेस एडिट मोड है वो कट करना पड़ा, हमें कोई और डिज़ाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर वो वाले बेस डिज़ाइन में भी ऐसा ही हुआ तो फिर फ़ोन टूटना तो यार पक्का है, सही में टूटेगा फ़ोन। तो गाइस ये तो थे मेरे को 6 ऐसी चीज़ें जो हमारे प्यारे गोत्र संघर्ष के प्लेयर नफरत करते हैं। अगर आपको गलती से नहीं पता गोत्र संघर्ष क्या होता है तो अब तक कहाँ थे यार, मेरे चैनल को पहले से फॉलो करा करो यार, मैं बहुत ही यूनिक वीडियोस बनाता हूँ, एकदम अलग वीडियो बनाता हूँ सबसे अलग, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि मेरी चैनल ही बहुत ही अजीब है, यूनिक है, इसीलिए यार मेरे चैनल पे बहुत ही अलग अलग वीडियोस अपलोड होते हैं हर रोज़। तो आपको यार हर रोज़ अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ गोत्र संघर्ष का मतलब क्या होगा। गोत्र संघर्ष का मतलब होता है क्लैश ऑफ क्लैंस, जो कि मुझे मेरे प्यारे गूगल ने बताया है,
और ये बहुत ही अजीब शब्द है, अब क्या बताऊँ आपको। तो यार बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आई तो यार अपने दोस्तों को शेयर करो ये सारे वीडियोस, सारे जितने भी प्लेलिस्ट में ना 3 वीडियोस आ चुके हैं, कुल मिलाकर पार्ट 3 तक आ चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो तीनों को यार एकदम साथ में मिलकर देखना, तीनों देखना, तभी आपको पूरा मज़ा आएगा। क्योंकि यार सारी चीज़ें एकदम नए हैं, ये सारे चीज़ें कभी भी कोई भी वीडियो में नहीं आया है, सिर्फ मेरे वीडियो में आया है। क्योंकि पता है ना तुम लोग को यार, मेरा चैनल जो है ना वो बहुत ही यूनिक है, इसलिए यार मेरे चैनल पे बहुत ही अलग अलग टॉपिक के वीडियो तो यार आना ही है। एंड गाइस यार थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, हमने 15,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है, और ऊपर से हमारे जो पिछले वीडियोज़ है ना इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू यार। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, हम बहुत आगे जाएंगे यार तुम्हारे वजह से, सिर्फ बहुत आगे जाएंगे हम लोग, और सबको टक्कर भी देंगे। लाइक तो करके जाना, और अगर आप नए आ गए हो तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब दबा दो, और उसके बाद में जो बेल आइकन आता है उसे भी दबा देना, ताकि आप नोटिफाइड हो जाओ, हमेशा अपडेटेड रहो मेरे चैनल की तरफ। सो गाइस इसका जो पार्ट 4 है वो भी जल्दी आने वाला है, क्योंकि यार उसका जो सारे के सारे लिस्ट है ना मैंने तैयार कर लिए कि कौन कौन से और चीज़ हैं जिससे हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस के प्लेयर हेट करते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें यार, अभी पार्ट 4 आने वाला है तो इंतज़ार करो यार। अब एक अमेजिंग वीडियो बनानी है तो थोड़ा सा इंतज़ार तो बनता है ना, कल तो नहीं डालूंगा, परसों या नरसों डालूंगा, क्योंकि यार कल अगर डालूंगा तो यार सेम टॉपिक अच्छा नहीं लगता। तो यार यही तक कहना था मुझे, तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए प्ले गेम, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी कॉमेडियन, पीस आउट। हे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ पर आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, जल्दी से यार मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार हमारी चैनल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है क्लैश ऑफ क्लैंस कम्युनिटी में।